के अंदर राष्ट्रीय जनता दल ने 15 वर्षों तक राज किया, दलितों का भी वोट लेते रहे, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के 15 साल के राज में दलितों के एक दर्जन से ज्यादा नरसंहार हुए हैं। गाजर मूली की तरह दलितों को काट दिया गया, लाइन में खड़ा करके उनको गोलियों से उड़ा दिया गया। 1996 में बथानी टोला में 21 दलित मारे गए थे, लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलितों को मार दिया गया था, मियांपुर में 32 दलित, हैबसपुर पटना में 10, शंकर बीघा में 23, नारायणपुर में 11, यानी दर्जनों दलितों का नरसंहार लालू राबड़ी के राज में हुआ था। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि हम लोग की सरकार में बिहार में एक भी दलितों का नरसंहार नहीं हुआ है। इतना ही नहीं तो मित्रों, ये जो पंचायत का चुनाव है, बिहार में 23 वर्षों तक लालू यादव की पार्टी ने इस पंचायत का चुनाव नहीं कराया, और जब चुनाव कराया 2002 या 3 में, उस समय दलितों को बिना आरक्षण दिए चुनाव करा दिया गया, जबकि संवैधानिक प्रावधान है कि दलितों को पंचायतों के अंदर एकल पदों पर मुखिया प्रमुख जैसे पदों पर आरक्षण देकर चुनाव कराया जाना है, परंतु बिना उनको आरक्षण दिए चुनाव करा दिया गया। ये तो हम लोग की सरकार, भाजपा की सरकार जब बिहार में बनी है तो हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 16% का आरक्षण दिया, और आज अगर बिहार के अंदर करीब 1700-1800 अगर मुखिया, अगर प्रमुख, अगर जिला परिषद के चेयरमैन अनुसूचित जाति जनजाति इन वर्गों से अगर आते हैं, तो ये बिहार के अंदर एनडीए सरकार की देन है। इतना ही नहीं तो मित्रों, बिहार देश का पहला राज्य है जहां हम लोगों ने विकास मित्र की नियुक्ति की है। बिहार के अंदर 10,000 से ज्यादा, यानी लगभग हर पंचायत में एक से ज्यादा हम लोगों ने विकास मित्र नियुक्त किया है, और ये विकास मित्र जो हैं, ये इसी समाज से आते हैं, और इनका काम है कि उस पंचायत में जो दलित बस्तियां हैं उनके विकास के लिए काम करना। और ये जो विकास मित्र हैं, इन विकास मित्रों को जहां पहले 10,000 रुपये मिलता था, हम लोगों ने इनको बढ़ाकर और 12,500 रुपया इनके मानदेय के अंदर वृद्धि करने का भी काम किया है। तो इसलिए मित्रों, ये जो विकास मित्र हैं, और मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने अपने जिले में जो विकास मित्र हैं, उनके साथ संपर्क स्थापित करें, उनका मोबाइल नंबर लेकर रखें, ताकि आपको मालूम हो सके कि विकास मित्र और अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में किस तरह से काम कर रहे हैं। उसी